बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूं आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। और आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम हर दिन की तरह कक्षा 9 की पढ़ाई के साथ शुरू करेंगे, जिसमें हम गणित में निर्देशांक ज्यामिति का पाठ आगे पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान का पाठ संरचनाएं एवं उच्चावच के बारे में जानेंगे। कक्षा 9 की पढ़ाई के बाद हम अर्चना की कहानी पढ़ेंगे कि अर्चना की पत्तों की प्लेट की कंपनी कैसी थी। इस कहानी के बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए विज्ञान में प्रकाश पाठ शुरू करेंगे, जिसमें परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में जानेंगे। और इसके बाद हम सामाजिक विज्ञान में संसाधन एवं उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। तल पर कहाँ स्थित है, तो चलिए एक एक करके हम इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे बिंदु P के। जैसा कि अभी हमने सीखा है, सबसे पहले हम
की दूरी दोनों अक्षों से शून्य है, इसलिए भुज और कोटि दोनों ही शून्य होंगे। अतः मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब हम बिंदु के निर्देशांकों में लगे चिन्हों और उस बिंदु के चतुर्थांश जिसमें वह स्थित है के बीच के संबंधों को ध्यान पूर्वक समझेंगे। ये रहा हमारा कार्तीय तल, जहाँ पर ये निर्देशांकों के चिन्ह चतुर्थांश में कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं। पहले चतुर्थांश में दोनों ही संख्याओं के चिन्ह योग होता है। दूसरे चतुर्थांश में हमारे भुज का चिन्ह घटा होता है और कोटि का चिन्ह योग होता है। तीसरे चतुर्थांश में हमारे भुज और कोटि दोनों के चिन्ह घटा होते हैं और चौथे चतुर्थांश में हमारे भुज का चिन्ह योग होता है और कोटि का चिन्ह घटा होता है। इसी पर आधारित हमें जब भी कोई बिंदु दी हुई हो या कोई निर्देशांक दिए हुए हो जिसे हमें कार्तीय तल पर आलेखित करना हो तो हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब हम तल में एक बिंदु आलेखित करना सीखेंगे जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हो। मान लीजिए कि हमें एक बिंदु को आलेखित करना है जिसके निर्देशांक है 3,5। सबसे पहले हम इन्हें आलेखित करने के लिए निर्देशांक अक्ष खींचते हैं और फिर अपने एककों का चयन इस प्रकार करते हैं कि दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर एक एकक को निरूपित करता हो। ये रहा हमारा कार्तीय तल, जिस पर सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो निर्देशांक हमें दिया हुआ है वह किस चतुर्थांश में आएगा। हमारा निर्देशांक था 3,5 और इन दोनों ही संख्याओं के आगे जो चिन्ह है वो योग का है, यानी कि यह चतुर्थांश 1 में होंगे। जिसे आलेखित करने के लिए हम सबसे पहले x अक्ष पर 3 एकक की रेखा खींचेंगे और y अक्ष पर 5 एकक की। इन दोनों रेखाओं को हम मिलाएंगे और जिस बिंदु पर यह दोनों रेखा मिल जाएंगी वो बिंदु हो जाएगा हमारा P, जिसके निर्देशांक है 3,5। तो इस तरह हम तल में बिंदु आलेखित करते हैं जब उसके निर्देशांक दिए हुए हो। चलिए इस पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं। इस प्रश्न में हमें दो बिंदुएं दी हुई हैं, -3,5 और -3, -5, जिसका स्थान हमें निर्धारण करना है। तो चलिए सबसे पहले हम निर्देशांक अक्ष बनाते हैं। पहले हम यह देखेंगे कि यह किस चतुर्थांश में आएगा। अगर आप याद करें तो यह चतुर्थांश 2 में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भुज का चिन्ह घटा है और कोटि का चिन्ह योग है। यानी कि हम चतुर्थांश 2 में x अक्ष पर 3 एकक की रेखा खींचेंगे और y अक्ष पर 5 एकक की रेखा खींचेंगे। इन दोनों रेखाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने पर यह दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर हमें मिलती हुई नजर आएंगी वो बिंदु हो जाएगा हमारा P, जिसके निर्देशांक होंगे -3,5। उसी प्रकार हम -3,-5 के स्थान भी निर्धारण कर सकते हैं। आइए अब हम -3 और -5 के स्थान निर्धारण करते हैं। सबसे पहले हम यह ज्ञात करेंगे कि यह किस चतुर्थांश में आएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन दोनों निर्देशांक के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है वो घटा का है, यानी कि यह निर्देशांक चतुर्थांश 3 में आएंगे। तो चलिए अब हम चतुर्थांश 3 में x अक्ष पर -3 एकक की रेखा खींचते हैं और y अक्ष पर -5 एकक की रेखा खींचते हैं। यह दोनों रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं और जिस बिंदु पर यह हमें मिलती हुई नजर आएंगी वो बिंदु हो जाएगा हमारा r, जिसके निर्देशांक है -3,-5। तो इस तरह हम कार्तीय तल पर दिए हुए बिंदुओं के स्थान निर्धारण कर सकते। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कार्तीय पद्धति।
तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हो। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं अध्याय निर्देशांक ज्यामिति के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिंदु -5, 4 आश्रित होंगे डैश पर, जिसके विकल्प दिए हुए हैं चतुर्थांश 4, चतुर्थांश 3, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 1। अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, किसी बिंदु के निर्देशांक के भुज और कोटि का चिन्ह बताइए यदि वह बिंदु चतुर्थांश 4 पर स्थित है। इसके विकल्प दिए हुए हैं ++, -, -, -+। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, निम्नलिखित में से उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जिसकी कोटि 9 है और वह y अक्ष पर स्थित है। हमारे दिए हुए विकल्प हैं 9, 0, 0, 9, 9, 1, 9, 2। अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है, किसी बिंदु का भुज धनात्मक कौन से चतुर्थांश में होगा। हमारे दिए हुए विकल्प हैं चतुर्थांश 1 और 2, चतुर्थांश 1 और 4, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, यदि किसी दो बिंदु के निर्देशांक P 3, 3 और Q -7, 5 है, तो बिंदु P का भुज प्लस बिंदु Q का भुज बराबर होगा। हमारे दिए हुए विकल्प हैं -1, -2, 1, -4। चलिए अब हम देखेंगे कि इन प्रश्नों के सही उत्तर कौन सा विकल्प है। हमारे सबसे पहले प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। हमारे दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। हमारे तीसरे प्रश्न का सही विकल्प है डी। हमारे चौथे प्रश्न का सही विकल्प है डी और हमारे पांचवे प्रश्न का सही विकल्प है डी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का दूसरा पाठ। इस पाठ का नाम है भौतिक स्वरूप संरचना एवं उचावच। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है। हम ये भी जानेंगे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है और हम हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में कुछ अनोखी बातें जानेंगे। जैसा कि आप सबको याद होगा, हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि भारत एक विशाल देश है। हमारे देश के विशाल विस्तार के कारण यहाँ का भौतिक स्वरूप भी बहुत विविध है। जैसा कि आप बने चित्र में देख सकते हैं, यहाँ बर्फीले पहाड़ से लेकर रेतीले मरुस्थल और सपाट मैदान से लेकर पानी से घिरे द्वीप भी है। आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उत्तरी ओर पर हिमालय पर्वत श्रेणी और उत्तरी मैदान है, जो कि पूर्वी दिशा तक फैले हुए हैं। अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो भारत के तटीय मैदानों पर आपकी नजर पड़ेगी, जो कि है मालाबार तट और कोरोमंडल तट। हमने पिछले पाठ में यह भी पढ़ा था कि भारत के दो द्वीप समूह हैं, जो कि हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देश के विशाल रूप के साथ साथ भारत की भौतिक विविधता का कारण ये तीन क्रियाएं भी हैं, जिनको हम बोलते हैं अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन तीनों क्रियाओं का अर्थ क्या है। चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपक्षय के बारे में। जब तेज बारिश, आंधी तूफान, तीव्र तापमान
या किसी अन्य जैविक गतिविधि से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटने लगती हैं और गिरने लगती हैं, उसे हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय को हम अंग्रेजी में विदरिंग कहते हैं। दूसरी क्रिया जिसके बारे में हम जानेंगे वह है अपरदन। धरती की ऊपरी परत मिट्टी कंकड़ आदि से बनी होती है। जब तेज हवा पानी या किसी अन्य जैविक गतिविधि से भूपरपट्टी यानी कि धरती के ऊपर की परत एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है उसे हम अपरदन कहते हैं। दोस्तों अंग्रेजी में अपरदन को इरोजन कहते हैं। चलिए अब हम तीसरी क्रिया के बारे में जानते हैं जिसे कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नदी अपने अंदर मौजूद तलछट मिट्टी और अन्य पदार्थों को भूभाग पर ले आकर छोड़ती है। इसे हम अंग्रेजी में डिपॉजिट्स कहते हैं। दोस्तों अपक्षय अपरदन और निक्षेपण रोज होने वाली गतिविधियां हैं जो कई जगहों की भौतिक स्वरूप के लिए जिम्मेदार हैं। भूगोल पढ़ने वाले वैज्ञानिकों ने और गंभीरता से धरती के भौतिक स्वरूप के निर्माण को बताने की कोशिश करते हुए एक सिद्धांत को जन्म दिया है जिसे हम प्लेट विवर्तक सिद्धांत कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार धरती की पूरी ऊपरी परत जिसे हमने अभी पढ़ा कि उसे हम भूपरपट्टि कहते हैं वह प्लेटों में बटी हुई है। भारत का प्रायद्वीपीय उच्च स्थल इसी विभाजन का हिस्सा है। जब इन प्लेटों पर दबाव या तनाव उत्पन्न होता है तब धरती की सतह पर प्रभाव पड़ता है और भ्रंशीकरण और ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि सैकड़ों साल पहले जब हमारी धरती नई नई बनी थी तो पूरी धरती की भूपरपट्टी एक साथ जुड़ी हुई थी। इसे वैज्ञानिक अंग्रेजी में पेंजिया कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों में कई शताब्दियों से हो रही गतिविधियों के कारण धरती द्वीपों और महाद्वीपों में बटी हुई है। करीब 20 करोड़ वर्ष पूर्व भारत गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता था। इस गोंडवाना लैंड में ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका भी शामिल थे। यह गोंडवाना लैंड इसी पांजिया का दक्षिणी भाग था। चलिए एक और पते की बात जानते हैं। प्रायद्वीपीय भूपरपट्टी सबसे पुराने भागों में से एक है। यह पृथ्वी का वह भाग है जो धरती बनने के समय सबसे पहले ठोस हुआ था। भारत का प्रायद्वीप इसका ही उदाहरण है। चलिए दोस्तों ये तो बात हुई प्लेट विवर्तक सिद्धांत की। अब हम भारत के भौतिक स्वरूप को करीब से देखते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप 6 विभागों में बटा हुआ है। हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तरीय मैदान, दक्षिणी पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। आज हम हिमालय पर्वत श्रेणी को करीब से देखेंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी का क्षेत्रफल करीब 5,00,000 वर्ग किलोमीटर है। 2,500 किलोमीटर लंबी ये पर्वत श्रेणी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। सिर्फ यही नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है इसी पर्वत श्रृंखला में आता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के विशाल आकार की वजह से इसे कई भागों में बांटा गया है। चलिए हम इन भागों पर भी नजर डालते हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। इस श्रेणी की ऊंचाई 6,100 मीटर है। अगर हम इस श्रेणी के दक्षिण भाग के बारे में बात करें तो दक्षिण श्रृंखला को लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहा जाता है। इस भाग की ऊंचाई 1,800 मीटर से 4,500 मीटर तक है। साल के 3 से 4 महीने इस भाग में बर्फ रहती है।
कई लोकप्रिय पर्यटन स्थल जैसे कि शिमला, मसूरी, कश्मीर, नैनीताल आदि इसी श्रृंखला का हिस्सा है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला को बाहरी हिमालय, उप हिमालय या शिवालिक भी कहा जाता है। जैसे कि आप बने चित्र में देख सकते हैं, शिवालिक हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई 900 मीटर से 1500 मीटर तक होती है। दोस्तों, पश्चिमी चंपारण की पहाड़ी का कुछ भाग इस श्रृंखला में आता है। आपके राज्य बिहार का 856 वर्ग किलोमीटर इस श्रृंखला के विस्तार में है। इसे सोमेश्वर पहाड़ियां कहते हैं। अब दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में इतनी सारी जानकारी लेने के बाद आपके मन में एक प्रश्न तो जरूर आया होगा कि आखिर इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला का विभाजन और वर्गीकरण कैसे होगा। चलिए मैं बताती हूँ। हिमालय पर्वत श्रेणी का विभाजन क्षेत्रों के हिसाब से किया जाता है और वर्गीकरण नदियों के हिसाब से किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय पंजाब हिमालय कहलाता है और सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का नाम कुमायूं हिमालय रखा गया है। दोस्तों, अगर हम हिमालय के अन्य भागों के बारे में बात करें तो दक्षिण की ओर से एक तीखा मोड़ लेते हुए हिमालय भारत की पूर्वी सीमा की ओर फैलता है। इसे हम पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी कहते हैं। हिमालय के इस भाग का विस्तार घने जंगलों और घाटियों से भरा हुआ है। पूर्वी पहाड़ी में नागा तथा लुशाई और मणिपुर की पहाड़ियां भी शामिल है। चलिए दोस्तों, आज के इस पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। इससे पहले हम इस पाठ का अंत करें, चलिए आइए नजर डालते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने भारत के विविध भौतिक स्वरूप के बारे में जाना, जो कि 6 भागों में बटा हुआ है। हमने अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के बारे में भी जाना। फिर हमने विस्तार में हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जानकारी। दोस्तों, घर जाकर अपनी भूगोल की पुस्तक भारत भूमि एवं लोक का पाठ 2 भौतिक स्वरूप संरचना एवं ऊंचावच जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के उत्तर विशाल मैदान कैसे होते हैं। हम दक्षिण पठार के बारे में भी पढ़ेंगे, तटीय मैदानों के बारे में भी, भारतीय मरुस्थल के बारे में भी और भारत के द्वीप समूह के बारे में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है आपके भूगोल के दूसरे पाठ भौतिक स्वरूप संरचना एवं उचावच के पहले भाग का डेली टेस्ट। आपका पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा द्वीप समूह पश्चिम दिशा में है? लक्षद्वीप, मजोली द्वीप, अंडमान द्वीप या निकोबार द्वीप समूह? आपका अगला प्रश्न है, तेज तूफानों या जैविक गतिविधियों से जब चट्टाने टूटती हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन, निक्षेपण, अपक्षय या वाष्पीकरण? आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, K2 या फीजी? आपका अगला प्रश्न है, भारत के भौतिक स्वरूप के कितने विभाग हैं? 4, 5, 6 या 7? आपका आखिरी प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी इन 2 नदियों के बीच स्थित है, इन 2 नदियों का नाम बताएं। गोदावरी और कावेरी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, महानदी और कोसी या महानदी और कावेरी? चलिए देखते हैं आपके उत्तर सही है कि नहीं। यह है सही उत्तरों की सूची। धन्यवाद।
कोरोना, डरे नहीं एहतियात बरते। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी के स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें, अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोए। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बना कर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। हम अर्चना की कहानी पढ़ेंगे कि अर्चना की पत्तों की प्लेट की कंपनी कैसी थी। अर्चना की पत्तों की प्लेट की कंपनी, कैसे सूखे पत्तों ने महिलाओं को रोजगार दिया और प्लास्टिक की जगह ले ली। एक समय की बात है, एक गांव था जहां गर्मी ने सब कुछ झुलसा दिया था, पेड़ भी झुलस गए थे। अर्चना इसी गांव में रहती थी। गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली थी। इस दौरान इस गांव में प्लास्टिक ने प्रवेश किया और वहीं पर बस गया। अब वो हर जगह था। अर्चना की माँ और दादी प्लास्टिक आने से पहले के समय की बातें किया करती थी। वे प्लास्टिक के आने और लौट के ना जाने और अधिकाधिक गर्म होने वाले ग्रीष्म काल में संबंध जोड़ने की कोशिश करती थी। सभी कुछ साल के गलत समय पर होता था। अर्चना परिवार की बातें सुनती थी। वो हर दूसरी रात ये बातें सुनती थी और उसमें एक जैसी बातें खोजने की कोशिश करती थी। उसने कड़िया जोड़ने का प्रयास किया। उसे इस बात का अंदाजा था कि उसके सपनों को इन्हीं बातों से खतरा था, इसलिए उसकी नींद उड़ गई थी। इसलिए उसने इस बात की तह तक जाने का फैसला किया। वो खेतों में गई। उसने मौसम के बदलते मिजाज के बारे में किसानों से बातचीत की। ये कब इतना गर्म होता है? क्या बदल गया है? आप जो उगाते हैं उसमें क्या बदलाव आया है? आप इसे कैसे उगाते हैं? क्या पानी की समस्या है? उसने नोट्स बनाए। उसने प्लास्टिक की थैलियों, बिस्किट के रैपर, डिटर्जेंट के पैकेट पर भी ध्यान दिया जो रास्ते में खेतों की लहराती घास पर बिखरे हुए थे। थक गई, बहुत गर्मी थी। वो महिलाओं के एक खेत में गई। वे भी बहुत थक चुकी थी, लेकिन उन्होंने उसके सवालों के जवाब दिए। एक युवा लड़की प्रतिमा ने कहा, प्लास्टिक एक समस्या है, वे प्लेटें बेतुकी है। मेरी माँ उससे प्लेटें बनवाती थी। और उसने पेड़ों की ओर इशारा किया, सूखे हुए पत्तों वाले विशाल वृक्ष। गांव में घंटी बजी, मीटिंग में जाने का समय हो गया है। अर्चना और महिलाएं गांव की मीटिंग में चली गई। वहां हर बात पर चर्चा हुई। वहां खाद पदार्थ रखे थे जो प्लास्टिक की प्लेटों पर परोसे गए। अर्चना ने प्लेट को पलट कर देखा और फिर प्रतिमा को देखा। तब उसने हाँ में कंधे उचकाए। इस तरह कई प्लेटों का कारोबार शुरू हुआ। अर्चना अपने दोस्त के पास गई। उसके मोबाइल फोन से उन्होंने शोध किया। उन्होंने प्लेट और कटोरे बनाने के लिए जरूरी प्रेस की खोज की। इसे खरीदने के लिए बजट बनाया। वे प्रत्येक किसान से कितने पत्ते कितने पैसों में खरीदेंगे। व्यवसाय में प्रत्येक भागीदार पत्तियों को इकट्ठा करने काटने में कितना योगदान देगा
और फिर वो उसे कितने में बेचेगा। अर्चना और प्रतिमा ने गांव की मीटिंग बुलाई और अपना विचार प्रस्तुत किया। उस दिन खाद्य पदार्थ पत्तों की प्लेटों पर परोसे गए थे। अर्चना अब आराम से सो सकती थी। उसकी माँ और दादी खुश थी कि आखिरकार कड़िया जुड़ गई थी। 84 महिलाएं कंपनी का हिस्सा थी। उन्होंने बहुत पैसे कमाए। अब सभी महिलाओं को ये पता लगाना था कि जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जाए, क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक को तो हटा दिया था, लेकिन फिर भी ये अब तक का सबसे ज्यादा गर्मी का मौसम था। अर्चनाज लीफ प्लेट कंपनी। अर्चना की पत्तों की प्लेट का अभ्यास आप 4-4 के समूह में जाकर पूरा करेंगे। अपने मोबाइल से तस्वीरें ले, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करें और नोट्स बनाएं। आप बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। सफल उद्यमी बनने के लिए सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। इस अभ्यास में आप प्रोटोटाइप बनाएंगे। प्रोटोटाइप आपके उत्पाद का प्रतिरूप होता है। पहला भाग, आप अपने प्रोटोटाइप का चित्र बनाएं। अगर वो कोई सेवा है तो उसके बारे में लिखें। अब उसका 3D मॉडल बनाएं। ये सुनिश्चित करें कि आप पर्यावरण हितैषी हैं। उस पर नोट्स जरूर बनाएं। दूसरा भाग, अब अपना प्रोटोटाइप आजमाएं। इसे अपने स्कूल में सबको दिखाएं। उनकी प्रतिक्रियाएं जानें। ये करने के बाद अगली गतिविधि पढ़ें और अपनी सफलता की राह में आगे बढ़ते रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अब जैसा कि नाम से पता चलता है, हम इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। पर इन सभी के बारे में पढ़ने से पहले हमें प्रकाश के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए ये जो वीडियो है, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जहाँ पर हम जानेंगे कि आखिर प्रकाश क्या है और वो काम कैसे करता है, हमारी मदद किस प्रकार करता है और इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश की, उसके बाद हम बात करेंगे परावर्तन की और उसके बाद हम जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में कि आखिर गोलीय दर्पण क्या होता है। शुरुआत करते हैं प्रकाश से। तो जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा का एक परम स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा भी सूर्य से हमें काफी हद तक मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य से हमें दो ऊर्जा मिलती है। एक तो मिलती है ताप ऊर्जा और दूसरी मिलती है प्रकाश ऊर्जा। तो हमारा ज्यादातर जो प्रकाश होता है वो हमें सूर्य से ही मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, दिन सूर्य की वजह से होते हैं। परंतु सूर्य एक इकलौता प्रकाश का सोर्स नहीं है। इसके अलावा भी हमारे पास प्रकाश के सोर्स हैं, जैसे कि हमारे घर में लगे हुए बल्ब। पर इनको जलाने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बल्ब विद्युत को एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उस विद्युत की मदद से हमें प्रकाश देते हैं। अब चलिए एक सेकंड के लिए ऐसा अज्यूम करते हैं कि प्रकाश हो ही ना, तो क्या होगा? अगर प्रकाश हो ही ना तो आप इस वीडियो को नहीं देख सकते। आपको सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा, हर जगह सिर्फ काला रंग नजर आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारी देखने में मदद करता है प्रकाश। तो सवाल ये है कि आखिर हम अंधेरे में देख क्यों नहीं सकते, और अगर प्रकाश हमारी मदद करता है तो प्रकाश हमारी देखने में मदद करता कैसे है? क्या आपके पास इसका कोई उत्तर है? जरा सोचिए। चलिए उत्तर जानते हैं। दरअसल मान लीजिए कोई प्रकाश का सोर्स है, जैसे कि एक बल्ब, तो उससे क्या होगा कि प्रकाश की बहुत सारी किरणें निकलेंगी। मान लीजिए कि एक सेब रखा हुआ था, तो क्या होगा, प्रकाश की किरणें उस सेब पर भी आएंगी। वहां पर क्या होगा कि ये जो सेब है वो प्रकाश का परावर्तन करेगा और उससे जो ये जो किरण होगी वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी, और इसलिए ये जो किरण जो सेब पे पड़ी है वो हमारी आंखों तक आएगी और इस वजह से हम सेब को देख पाएंगे। अब जब अंधेरा होता है, यानी कि जब प्रकाश की किरणें नहीं होती,
तो जो सेब होता है उसके पास कोई भी किरण होती ही नहीं परावर्तन के लिए, और इसलिए सेब से कोई किरण परावर्तित नहीं होती और हमारी आंखों तक कोई रोशनी नहीं पहुंचती, और इसीलिए अंधेरे में हम कुछ देख नहीं पाते। ये कारण है कि हम अंधेरे में देख नहीं सकते। अब एक और चीज है, कुछ चीजें ट्रांसपेरेंट होती हैं, यानी कि उनके आर पार देखा जा सकता है, वो पारदर्शी होती हैं, जैसे कि शीशा। तो आखिर इसका रीजन क्या है? दरअसल इसका कारण ये है कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं, मान लीजिए प्रकाश की किरण जो सेब पर आई, वो किरणें क्या करेंगी कि वो इस शीशे के आर पार जा सकती हैं। अब क्योंकि ये शीशे के आर पार जा सकती है तो हमारी आंखों तक तो फिर भी पहुंच जाएगी। अब क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन सेब ने किया था तो हमारे आंखों तक जो रोशनी पहुंचेगी उससे हमें सेब दिखाई देगा, और क्योंकि बीच में शीशा है और फिर भी हम सेब देख सकते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो शीशा है वो पारदर्शी होता है। और यही कारण है किसी चीज के पारदर्शी होने का, क्योंकि जितनी भी चीजें पारदर्शी होती हैं उनसे जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो दूसरी तरफ जा सकती हैं। चलिए अब जानते हैं परावर्तन के बारे में। सवाल है कि क्या सभी वस्तुएं प्रकाश का समान रूप से परावर्तन करती हैं? जरा सोचिए। दरअसल इसका सीधा सा आंसर है नहीं। अभी ही हमने देखा दो चीजों के बारे में, एक था हमारा सेब और दूसरा था हमारा शीशा। दोनों प्रकाश का परावर्तन एक तरीके से नहीं करती, एक से तो हमारी आंखों तक रोशनी आती है और दूसरे में तो रोशनी उसकी दूसरी तरफ भी जा सकती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हर वस्तु प्रकाश का अलग रूप से परावर्तन करती है। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। एक सेब है और एक धातु है। हम जानते हैं कि जो सेब है वो रोशनी का परावर्तन उतने अच्छे से नहीं कर पाता, परंतु जो धातु होता है वो रोशनी का परावर्तन बहुत अच्छे से करता है, और इसीलिए धातु बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है। चमकदार धातुओं की बात करी है तो सबसे चमकदार धातुओं में एक धातु है सिल्वर, और ये इतना ज्यादा चमकदार होता है कि हम इसे शीशा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे हम कई तरह के शीशे बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है समतल दर्पण का। दरअसल हम जितने भी तरह के दर्पण बनाते हैं उन सभी में हम सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिल्वर बहुत ही अच्छे से परावर्तन करता है और इसलिए उसके अंदर जो प्रतिबिंब दिखता है वो काफ़ी हद तक बिंब के बराबर होता है, और इसीलिए वो परावर्तन काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है दर्पण बनाने के लिए। अब चलिए परावर्तन के कुछ नियमों को जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? इसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होती है। अब आपतित किरण वो किरण होती है जो सोर्स से आई है, जैसे कि मान लीजिए बल्ब से जो रोशनी निकलती है वो आपतित किरण कही जा सकती है। आपतित किरण वो किरण होती है जिसका परावर्तन अभी होना है, तो आपतित किरण आएगी दर्पण पे और उसका परावर्तन होगा और उससे बनेगी परावर्तित किरण। अब आपतित किरण जिस पॉइंट पर दर्पण से टकराएगी उस पॉइंट पर अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचे तो उसे कहा जाता है अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहा जाता है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहा जाता है परावर्तन कोण। और ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं परावर्तन में। इसका दूसरा नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जो है वो तीनों मिलकर एक 2D इमेज बनाते हैं, और इसीलिए वो तीनों ही एक ही तल में होंगे। चलिए अब जानते हैं आभासी और वास्तविक में अंतर। दरअसल जो प्रतिबिंब शीशे के अंदर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है आभासी, और जो शीशे के बाहर बनते हैं उन्हें कहा जाता है वास्तविक। उदाहरण के लिए समतल दर्पण जो होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम दर्पण के आगे खड़े होते हैं तो समतल दर्पण में क्या होता है कि हमें हमारा प्रतिबिंब शीशे के अंदर दिखाई देता है। जब इस तरह का प्रतिबिंब बनता है जो शीशे के अंदर हो उसे कहा जाता है आभासी, परंतु अगर वो प्रतिबिंब शीशे से बाहर बनता है और हम उसे किसी पेपर पे देख सकते हैं तो उसे कहा जाता है वास्तविक। अब ये
जो होता है ये कभी भी समतल दर्पण में नहीं होता, ये होता है गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण जो कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। चलिए जानते हैं कि ये बनते कैसे हैं। दरअसल गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसमें एक गोलाकार सतह से कटे हुए टुकड़े के आकार होते हैं। उदाहरण के लिए ये एक गोलीय दर्पण है। मान लीजिए हमारे पास एक शीशे की बॉल है और अगर हम इसे दोनों तरफ से काट दें तो हमारे पास कुछ इस तरह का शीशा बच जाएगा। अगर हम इन दोनों शीशों से दर्पण बनाएं तो जो दर्पण बनेंगे वो गोलीय दर्पण कहलाएंगे। अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें तो उन दर्पण में एक तो होता है हमारा मुख्य अक्ष, उसके अलावा इसके अंदर होता है एक मुख्य फोकस और एक होता है वक्रता केंद्रक और उसके अलावा एक होता है हमारा ध्रुव। अब ये चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में आपको घर से पढ़कर आना है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। सबसे पहले हमने बात करी प्रकाश की, उसके बाद हमने जाना परावर्तन के बारे में और उसके बाद हमने जाना गोलीय दर्पण के बारे में। अब इन सभी चीज़ों के बारे में और अच्छे से जानने के लिए आपको अपनी NCERT की किताब का प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन वाला अध्याय पढ़ना है। उसके अंदर आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हैं प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में, आपको ये भी पढ़कर आना है। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। डेली क्विज क्वेश्चन नंबर 1, अवतल दर्पण अनंत पर प्रतिबिंब बनाती है यदि वस्तु डैश पर रखी हो। ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी सी पर, ऑप्शन सी एफ तथा सी के बीच, ऑप्शन डी अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तल लेंस छोटा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब डैश होता है। ऑप्शन ए वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन सी आभासी एवं उल्टा, ऑप्शन डी आभासी एवं सीधा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कहां अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता। ऑप्शन ए टॉर्च, ऑप्शन बी सौर भट्टियों में, ऑप्शन सी पश्च दृश्य दर्पण, ऑप्शन डी सेविंग दर्पणों। क्वेश्चन नंबर 4, दर्पण सूत्र में निम्न में से क्या नहीं होता। ऑप्शन ए बिंब की दूरी, ऑप्शन बी प्रतिबिंब की दूरी, ऑप्शन सी फोकस दूरी एंड ऑप्शन डी आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 5, घनात्मक आवर्धन इंगित करता है कि ऑप्शन ए प्रतिबिंब वास्तविक है, ऑप्शन बी प्रतिबिंब आभासी है, ऑप्शन सी प्रतिबिंब आवर्धित है, ऑप्शन डी प्रतिबिंब छोटी है। सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 2 डी, क्वेश्चन नंबर 3 सी, क्वेश्चन नंबर 4 डी, क्वेश्चन नंबर 5 ए। हेलो दोस्तों, आज हम इस पार्ट में एक बहुत ही साधारण मगर महत्वपूर्ण चीज के बारे में पढ़ेंगे कि संसाधन क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, संसाधन के नियोजन के बारे में और जानेंगे संसाधन का संरक्षण कैसे होता है और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि सतत विकास की अवधारणा क्या होती है। तो दोस्तों, हम पहले जानेंगे कि संसाधन होता क्या है। आप सब अपने हर दिन के कार्य में अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते होंगे, जैसे कि जल, धरती या हवा। तो ऐसी कोई भी चीज जो किसी भी तरह के उपयोग में आती है उसे संसाधन कहते हैं, जैसे कि कोयला या लकड़ी। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों तरह के हो सकते हैं और दोनों ही मानवता की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। जल, वन्य जीव, खजीन, पहाड़ इत्यादि जैसे संसाधन दुनिया में बहुत समय से थे, मगर इंसानों को उनका सही प्रयोग करने का ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे जब जनसंख्या और मानव की जरूरतें बढ़ी तो इंसानों ने अलग अलग चीजों का प्रयोग करना शुरू किया, जिससे उनका ज्ञान भी बढ़ा। इसके बाद तो फिर इंसान तकनीक के प्रयोग के सारे संसाधनों का अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीख गए, जिससे इंसानों की जिंदगी खुशहाल बन गई।
तो इस नजरिए से देखा जाए तो इंसान को भी एक संसाधन ही माना जाता है, क्योंकि वो अपने ज्ञान से किसी भी चीज का उपयोग कर सकता है। तो दोस्तों, अब हम संसाधन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो संसाधन के वर्गीकरण के अलग अलग आधार होते हैं। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा विकास की स्थिति के आधार पर। अब हम जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर कौन से दो प्रकार होते हैं। तो पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। ये संसाधन जैव मंडल में मिलते हैं और इनमें सजीव के सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति और अन्य प्राणी समुदाय। दूसरा होता है अजैव संसाधन। तो किसी भी निर्जीव चीज को अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे कि पहाड़, खनिज या पत्थर। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन के दो वर्ग होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये वो संसाधन होते हैं जो किसी भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया से मिलते हैं, जैसे कि जल, वन और वन्य प्राणी। अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो कि सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकते हैं और बनने में भी बहुत साल लगाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम और कोयला। संसाधन और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो पहला, व्यक्तिगत संसाधन वो संसाधन होते हैं जो किसी व्यक्ति के निजी अधिकार में होते हैं और इनमें कोई भी और इंसान अपना अधिकार नहीं दिखा सकता, जैसे कि किसी का घर, जायदाद या बगीचा। सामुदायिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसको कोई खास समुदाय संभालता है और इस समुदाय के लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इत्यादि। राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिन पर राष्ट्र अधिकार होता है, तो कानूनी तौर पर देश के सारे उपलब्ध संसाधनों पर इनका अधिकार है, जैसे कि जमीन या कोई भी जमीन। इन संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, जैसे कि महासागर। विकास के आधार पर भी चार तरह के संसाधन होते हैं, पहला संभवी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा संचित संसाधन। संभवी संसाधन वो संसाधन होते हैं जो किसी भी देश में मौजूद होते हैं मगर इनका इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ होता, जैसे कि हिमालय क्षेत्र के खजाने। विकसित संसाधन वो होते हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और इनकी मात्रा भी निर्धारित होनी शुरू हो गई, जैसे कि पानी से बिजली बनती है और अब इसकी मात्रा निर्धारित हो गई है। भंडार संसाधन वो संसाधन होते हैं जो पर्यावरण में आसानी से उपलब्ध होते हैं और इनका इस्तेमाल तकनीक की मदद से होता है, जैसे कि जल। संचित संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका अभी तक उपयोग शुरू नहीं हुआ और सिर्फ तकनीक के ज्ञान की सहायता से ही इनका प्रयोग हो सकता है, जैसे कि नदियों का जल। आगे के समय में इनका उपयोग करना बहुत जरूरी होगा। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि संसाधन नियोजन क्या होता है। तो संसाधनों का सही तरह से इस्तेमाल करना ही संसाधन नियोजन होता है। तो हर देश का अपना अलग अलग तरीका होता है संसाधन नियोजन करने का और ये देश के विकास के लिए भी बहुत जरूरी होता है। भारत में भी कई देश है जिनमें अलग अलग तरीके के संसाधन मौजूद है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और राजस्थान में पवन ऊर्जा बहुत है मगर जल की कमी है। तो दोस्तों, संसाधन नियोजन करना जरूरी होता है क्योंकि इससे ही देश के संसाधनों की पहचान होती है, उनकी बची हुई संख्या जांची जाती है, सही तकनीक इस्तेमाल करके संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्र और संसाधन विकास पर काम करने के लिए। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधनों का इस्तेमाल विकास के लिए बहुत जरूरी है मगर इससे कई तरह की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की समस्याएं पैदा होती है, जिस वजह से इनका सही उपयोग करना जरूरी है, जिसे संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। इसी वजह से कई लोगों ने प्रयास किया है नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने की, जैसे कि गांधी जी ने बताया था कि मशीनों की जगह हाथ से बनी चीजों का प्रयोग करना चाहिए।
इंजीनियर लाल बहादुर का चिपको आंदोलन और मेघा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो दोस्तों, अब तक हमें ये पता चल चुका है कि संसाधन क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं और वो जरूरी क्यों होते हैं। इंसानों के स्वार्थ की वजह से इनका बहुत दुरुपयोग हुआ है, जिस वजह से लोगों में आतंकता आ गई है और परिवर्तन पर भी नुकसान पहुँचा है, जिस वजह से अब जरूरत है कि लोग समझे कि इनका सही तरह से उपयोग करना बहुत जरूरी है। इसी को सच विकास की अवधारणा कहते हैं, जिसका मतलब है कि संसाधनों का अभी सही प्रयोग करना बहुत जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी भी इनका इस्तेमाल कर पाए। तो दोस्तों, इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए अपने घर जाकर अपनी इस पुस्तक का पहला पाठ पढ़िएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि संसाधन क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, संसाधन का नियोजन कैसे होता है, संसाधन संरक्षण का क्या मतलब होता है और सबसे जरूरी, सतत विकास की अवधारणा क्या होती है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भूमि संसाधन क्या होता है, मिट्टी निर्माण के बारे में, मिट्टी के प्रकार के बारे में और भारत में भूमि उपयोग के स्वरूप के बारे में। आज हम इस पाठ संसाधन एवं उपयोग के थोड़े प्रश्न उत्तर करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? दो, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। दो, राष्ट्रीय और अजीय संसाधन। तीन, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अजीय संसाधन। एक, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा प्रश्न है, कौन से संसाधन में सजीव के लक्षण होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन। तीसरा प्रश्न है, कौन से संसाधनों का सिर्फ एक बार उपयोग हो सकता है? अजैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, सामुदायिक संसाधन, संभवी संसाधन। चौथा प्रश्न है, राजस्थान में कौन से संसाधन सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है? पवन संसाधन, जल संसाधन, भूमि संसाधन, पेट्रोलियम। पांचवा प्रश्न है, नीचे लिखे गए संसाधनों में से कौन से संसाधन अजैव संसाधन के उदाहरण हैं? शेर, पत्थर, इंसान, घोड़ा। राजू जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, इस हफ्ता उसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवा कर पहना कर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें, तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है।
बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाए गए पाठ को आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और आपके मन में जो भी सवाल आया होगा उसको आपने नोट भी कर लिया होगा। उन सवालों का जवाब आप उन्नयन ऐप पर पूछ सकते हैं, जहां पे आपको आपके ग्लोबल एक्सपर्ट उसी सब्जेक्ट के उसी विषय के एक्सपर्ट आपका जवाब देंगे। अगर आपके पास इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं है, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपको कॉल पर भी आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा, तो नंबर आप नोट कर लीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल नोट कीजिए biharunnayan@gmail.com। बच्चों, आज के इस एपिसोड का पुनः प्रसारण डीडी बिहार पर संध्या 3:05 से 4 तक आएगा। तो आपको अगर इसी एपिसोड को दोबारा देखना हो तो आप 3:05 पर फिर से डीडी बिहार चैनल खोल के देख सकते हैं। और हर दिन की तरह YouTube पर भी आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय सर्च करके 2 के बाद कभी भी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो बच्चों, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ, रोचक विषय और काफी इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।